बैलेट होना के थे और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 30-35% केसेस में बैलेट होना आती है। तो हमें तो रीड किया था, स्टडी किया था, बैलेट होना फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, रेटिनस हीट बर्निंग। तो मैंने स्लिप भी दी उनको कि आई डू नॉट एग्री, दिस इज नॉट सीम्ड टू बी एग्रीएबल। पर वहां जो लिटरेचर था उनका आरओएच सीरीज 1-5 मैंने परचेज की और मैंने स्टडी की, तो वहां आरओएच 1-2 में उनका जो बेसिक था प्रिंसिपल के प्रेस्क्राइब ऑन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, नॉट गो फॉर रेयर पेकुलियर सिम्टम्स। तो मैंने उसको अप्लाई किया मेरे पेशेंट्स पे। एक लड़की थी, वो लंबे समय से मेडिसिन ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था उसका आत्मा, उसको म्याजमेटिक मेडिसिन भी दी थी, इंटरकरंट मेडिसिन भी दे ली थी। तो उसने बोला कि सर मेरे को इतना समय हो गया, मैं ठीक तो हो नहीं रही। तो मैंने सोचा जी तो वही बात कर रही है जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ करवाया था डॉक्टर एमएल सैकर सर ने। तो मैंने ओपियम 30 की एक डोज दी और नेक्स्ट वीक वो लड़की आई, वो कहती मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो गई, पहले आप मेरे को क्या देते रहे 2 साल से। ऐसे मेरा बेटा था जो आप बीएचएमएस करके डॉक्टर है, वो उस समय था केयर का, तो उसमें बेलाडोना का लाफिंग स्माइलिंग फराबोलस लाइट ऐसे सभी कुछ था उसको हुआ। तो मैंने उसको बेलाडोना दी 30 सिंगल डोज, उसका फीवर ठीक हो गया। तो फिर मैंने मेरे पास ओपीडी बहुत थी, 150 राउंड ओपीडी थी पेशेंट पर डे। तो फिर मैंने वहां भी सभी केसेस में सैगल टेक्निक शुरू कर दी और इवनिंग टाइम में संगरूर में जहां मेरा रहता था इवनिंग टाइम प्रैक्टिस करते थे, वहां भी सभी को डॉक्टर सैगल टेक्निक पे डाल दिया। सभी कहते थे कि आप ऐसे ना करो, आप फेल हो जाएंगे बहुत सारे केसेस में। मैंने बोला अगर फेल होएंगे तो फिर ही तो और ट्राई करेंगे ना, और स्टडी करेंगे। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो सभी केसेस में इस थ्योरी पे चलेंगे, चल के दिखाएंगे। तो फिर इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते गए और जो डॉक्टर एमएल सैगल ने बोला था कि 30-35% केसेस बैलेट होना कवर करती है और आज भी वो ट्रुथ है। अभी मैं देख रहा तो जो परफेक्ट मिटिया मेडिका माइंड बना हुआ है उस अकेली बेलाडोना इन एवरी थर्ड रूब्रिक है और 35 पेजेस पे उसके रूब्रिक कलेक्ट हुए हुए हैं मिटिया मेडिका माइंड में बेलाडोना के। और अभी मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ इवनिंग टाइम जब कभी 70 पेशेंट होते हैं कभी 80 होते हैं तो मैक्सिमम में उसमें अभी भी बेलाडोना चल रही है। तो इतना ये एक अद्भुत काम था, एक डेफिनेटली रिसर्च थी डॉक्टर सैगल की कि उन्होंने जो दिया रेवोल्यूशन था होम्योपैथी में। कि कोई भी आपने फैमिली हिस्ट्री नहीं लेनी, कोई भी उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री नहीं लेनी, कोई मैथमेटिक कंसिडरेशन नहीं है, आपने उसका थेरेपी लेना है प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग, उसमें से जो रूब्रिक आ रहे हैं उससे आपने अप्लाई करना है और जो भी मेडिसिन आती है वो देनी है। फिर हमने इमीडिएटली 93 फरवरी में डॉक्टर एमएल सैगल सर को संगरूर में सेमिनार किया, फिर और सेमिनार किया, फिर दिल्ली में सेमिनार होते थे, हम पंजाब में से 35-50 डॉक्टर टीम जाती थी वहां अटेंड करने के लिए। फिर 6 साल के लिए हमने हमारे टीचर जो डॉक्टर संजय सैगल डॉक्टर जुगेश सैगल को पंजाब में संगरूर में जहां मेरा रेजिडेंस है हम कॉल करते रहे एवरी मंथ, वन से मंथ वो आते रहे। फिर हमने जर्नल शुरू किया 94 से प्योरली ऑन माइंड टेक्निक जो अपनी 2005-15 चलता रहा, पब्लिश होता रहा। फिर हमने उनके लेक्चर से बुक तैयार की होम्योपैथी एंड माइंड पंजाबी में, तो हरियाणा जो हिंदी वाले थे रीजन वाले वो कहते हिंदी में करें, जो साउथ वाले थे कहते इंग्लिश में करें, तो हिंदी में ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। उससे इतने को डॉक्टर्स हमारे इस तकनीक के फॉलोअर बने हैं वो बुक से ही। वो बुक में हमने वही लिया
सहगल सर से, डॉक्टर संजय सहगल सर से, डॉक्टर जगेश सहगल सर से, और जो हमने 100 times वेरीफाई किया हुआ था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि थ्रेडिकल हो जो वेरीफाई नहीं किया हो। तो जो पहला डोनर की जर्नी है, हमने उसमें लिखा भी हुआ है, फर्स्ट नोट जो दिया हुआ है कि बेलाडोना जिसको अल्पकाल अक्यूट क्रिया दवा मानते थे, पहली स्थिति की दवा माना जाता था जहां हीट बर्निंग रेडनेस हो वहां ही बेलाडोना दी जाती थी। अब भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो यही कहते हैं कि ये बेलाडोना तो फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है जहां हीट बर्निंग रेडनेस है। इस विषय में डॉक्टर सहगल का कहना था कि अकेली बेलाडोना 30-35% केस निकालती है, वो भी एक्यूट के साथ साथ कोरोना केसों में भी वो भी ठीक करती है, और हमने वेरीफाई किया है। आप लगा लीजिए कि 93 से 28 ईयर हो गए, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इसको बेलाडोना को एक्यूट में, फेटल में, सर्जिकल में नहीं देना, और हम सभी केसेस में 30 पोटेंसी देते हैं सिंगल डोज। अगर 30 ना काम करे, 30 काम करना छोड़ दे, तो हम 6 पोटेंसी सिंगल डोज देते हैं, और कभी भी नहीं हुआ कि हमें रिजल्ट ना मिले हो। डॉक्टर सहगल ने कुछ भी गलत या अपने आप से हवाई के लिए नहीं बनाए, जब मटेरियल मेडिका माइंड बना तो पहले डॉक्टर एच एल चितकारा सर ने बनाया था, उसमें तकरीबन सिंथेटिक रिपोर्टरी थी, अप टू सिंथेटिक रिपोर्टरी तो 1000 माइंड रूब्रिक थे, अब जो है उसमें कम से कम 2500 माइंड रूब्रिक होंगे। अकेली बेलाडोना सभी को सर रिपोर्टरी के माइंड सेक्शन में पड़ा हुआ है। हमने पिछले कई सालों में देखा है कि कई कई महीने सिर्फ एक ही डोज काम करती रहती है, तथा इससे और तो और बहुत सारे क्रॉनिक केसेस जो है वो हमारे पास सर्जिकल भी ठीक हुए हैं बेलाडोना से। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है जो वो है कैरिड गेट वी फास्ट। हमें पेशेंट बता कर बोलते थे कि होम्योपैथी हम इसीलिए नहीं लेते कि ये धीरे से काम करती है, हौली हौली काम करती है। जो वो जल्दी आराम चाहता है, कोई जल्दी हो उसे आराम मिले, आरामदायक हालत में उसको ले जाए, उसका कहना कि होम्योपैथी दवा धीरे धीरे असर करती है, इसीलिए उसने पहले कभी भी होम्योपैथी दवा का सेवन नहीं किया, आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि जल्दी ठीक कर दे। तो कभी भी हमने इस वर्डिंग को कैरिड या टू फास्ट में नहीं बना डाला था, इसका रूब्रिक नहीं बनाया था। हम पेशेंट को ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाते थे कि नहीं भैया ऐसे नहीं है, होम्योपैथी भी अच्छा काम करती है, होम्योपैथी ठीक कर देती है, तो ऐसे नहीं कभी भी मन में आया था कि इसका रूब्रिक बनाया जाए पेशेंट का, जो उसकी मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है कैरिड या टू बी फास्ट। दूसरा उसका आ जाता है लाइट जहर फार। आप कोई और कभी किसी ने अप्लाई किया हो तो बोले मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया था, पहले मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बोर में डेमोंस्ट्रेट रहा, दो साल लेक्चरर रहा, वहां इंडोर आउटडोर का मैं इंचार्ज था, वहां भी 100-150 पेशेंट थे डेली ओपीडी में, कभी भी किसी भी पेशेंट में लाइट जहर रूब्रिक नहीं बनाया था। लाइट जहर का मतलब है सिर्फ बिजली की रोशनी नहीं है, जहां पर मरीज बीमारी के विषय में जानना चाहता है, टू थ्रो लाइट ऑन द डिजीज, डॉक्टर देख क्या बीमारी है, ये ठीक तो हो जाएगी ना, कोई टेस्ट, कोई एक्सरे, कोई यूरिन, कोई ब्लड टेस्ट करवाना हो तो बताए, तो पता लग सके कि क्या बीमारी है। पर ज्यादा गहराई भी नहीं जाना चाहता, ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता, ज्यादा बोझ दबाव नहीं रखता मन में, हल्के के ढंग से रहना चाहता है, लाइट रहना चाहता है, पर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए बोलता है उसे हम लाइट यार में डालते हैं। आप हैंड रेज करें अगर किसी ने भी डॉक्टर एमएल सहगल से पहले इसको लाइट यार में डाला हो। इसके फिर ऑपोजिट आ जाता है लाइट शन, जो टेस्ट नहीं करवाना चाहता, कि मेरे को तो डर लगता है कहीं कोई बीमारी ना बता दे डॉक्टर, तो वो
नहीं टेस्ट कराने जाएगा, वो लाइट शाइन आ जाता है, उसका ऑपोजिट ट्यूब पर क्या है। तो ऐसे इसका ये दो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं जो शुरू में शुरू किए गए कि कैरी डिजायर टू फास्ट, लाइट डिजायर फार। उसके बाद उसका आ जाता है फ्रेवोलस कि अपनी बीमारी के प्रति सीरियस ना होना। मान सर थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा अपना कैमरा सेट कीजिए, अपना कैमरा सेट कीजिए। ओके आप ठीक है जी? आप ठीक है, आप ठीक है। अपनी बीमारी के प्रति गंभीर ना होना, गंभीरता रहित होना, लैक ऑफ सीरियसनेस। जैसे लोग आमतौर पर बीमारी की ऐसी परिस्थिति में गंभीर होते हैं, पर वैलिड होने वाला केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। आज भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास घर के किसी सदस्य के कहने पर ही वो दवाई लेने, मेडिसिन लेने आया है, नहीं तो उसको कोई परवाह नहीं होती, तो वो बेपरवाह रहता है। तो वो तीसरा जो सिम्टम है इसका फ्रेवोलस आ जाता है। उसके बाद सोपोटिसिस आ जाता है, ये भी किसी ने नहीं, कहीं भी नहीं रूब्रिक बनाया था हमने। ये धारणा सोच जो विज्ञान के निजमों के अनुकूल ना हो, परखी हुई ना हो, क्या कहता है मरीज हमारे पास आता है कि मेरा दोस्त ठीक हुआ तो मैं दवाई लेने आया। डॉक्टर साहब यदि वो ठीक हो सकता है आपसे तो मुझे भी उन विश्वास है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कोई उसके पास लॉजिक नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं उसके पास कि वो ठीक हुआ था तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब उसका जोड़ों का दर्द ठीक हुआ, मुझे तो केवल जुकाम ही है, पराइजा ही है, यदि वो ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सेम डिजीज भी नहीं होती, डिजीज भी कोई और ठीक हुई होती है, दूसरा पेशेंट है जहाँ उसने बताया कि वो डॉक्टर बड़ा बढ़िया है, तुम ठीक हो जाओगे, और बिना कुछ पूछताछ किए मैं आपके पास आ गया, विश्वास कर लेना। तो वे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इसका, रूब्रिक का, बैलेंस होने का, सुपरटीसियस। उसके बाद आता है क्या, हाइट थिंग, हाइट डिजायर टू नेकेड वांट्स टू, वो दोनों साइड है कि हाइट डिजायर हाइट थिंग में भी है और नेकेड वांट्स टू भी है। कुछ बातें छुपा लेनी, बोलना ना, अपने रोग को भी थोड़े समय के लिए छुपा लेना, ढक लेना, पर ज्यादा समय ऐसे नहीं कर सकता। मेलानोमा वाला मरीज फिर खुद ही डॉक्टर को बता भी देता है, नेकड भी हो जाता है। नेकड मींस नेकड इन आइडियल, वो अगर कहीं स्पॉट है, उसके लिकोडर्मा है, कोई और सोराइसिस है, कोई भी है, तो वो फिर उसको उस बीमारी वाले स्थान को डॉक्टर को दिखा देता है। बीमारी का सामना करने से बचता भी है, हाइड करना चाहता है। शायद इसीलिए तुम देखोगे कि मेलानोमा का मरीज लाफिंग स्पीकिंग वैन हंसर्स का लक्षणों को बताता है। नींद हंसकर वो लुको रहा है, वो हाइड कर रहा है अपनी इंटरनल फीलिंग को। उसमें आ जाता है नेक्स्ट रूब्रिक है जो लाफिंग स्पीकिंग वैन स्माइलिंग इनवॉलंटरली। और हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि मैक्सिमम हमारे पास लेडी पेशेंट्स आते हैं और उनमें सभी में ये लाफिंग स्पीकिंग वैन स्माइलिंग इनवॉलंटरली मिलता ही मिलता है। और हम कहते थे ये क्या बात हुई, इसको डूबर के लेने का क्या मतलब हुआ, तो सभी में नहीं मिलता लाफिंग स्पीकिंग वैन। आप नोट करेंगे जिनमें मिलता है हम लेते हैं और रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर के सवालों का जवाब भी हंसते हुए देता है, मुस्कान स्वभाव की अपने आप उसके चेहरे पे बिखरी रहती है, क्योंकि वो बात को गंभीरता से नहीं लेता, हल्के ढंग से रहना उसकी आदत है, या कुछ छुपाने के लिए हंसता मुस्कुराता रहता है। हम जय साहब कैसे लेते वक्त नोट करते हैं, बहुत डॉक्टरों का कहना है कि जय साधारण बातें हैं, लाफिंग स्माइलिंग जैसे साधारण बातें हैं, किंतु डॉक्टर साहिल का कहना है साधारण बातों को ही तो पकड़ना है, समझना है, जो
सामान्य बातें हैं, ये आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। दूसरे डॉक्टर जो बोलेंगे कि ये क्या बात है, ये कोई सिम्टम है, इसके लेने की क्या जरूरत है, ये तो कोई रेयर पेकुलियर तो नहीं है। जो आर वाई सीरीज है, जो डॉक्टर एम एल सहगल की थ्योरी है रेवोल्यूशनरी होम्योपैथी की, वो कहती है कि साधारण बातों को ही पकड़ना है और उनको माइंड रिपर में कन्वर्ट करना है, यही इसका आर्ट है। अगर आप इस बात को ना समझ पाए कि साधारण बातों को नहीं लेना, आप फिर डॉक्टर सहगल टेक्निक पे आप काम नहीं कर सकते। आप को लगेगा कि ये तो कोई बात ना बनी। उसके बाद उसकी आ जाती है ऐसी रूब्रिक सुपरटिशंस के साथ जो हम लेते हैं, नाइव भोलापन, सीधा साधा मनुख जो होता है, किसी के कथन को बिना प्रशाव के मान लेना, बिना एक्सपेरिमेंट किया, बिना परीक्षा में डालिया उसको मान लेना, भोलापन जो होता है सीधा साधा होता है वो नाइव होता है। हम देखते हैं पेशेंट, मोस्टली हमारे पेशेंट है जो वो ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं, वो नाइव होते हैं, इसीलिए वो बाबों के तांत्रिकों के पास, हाथ रखावा देखने वालों के पास चले जाते हैं, घूमते रहते हैं अक्सर पंजाब में, तो हम देखते हैं शायद आपके भी ऐसे होगा। ऐसी फिर इसके साथ आ जाता है इसका क्रेडुलस है, तुरंत विश्वास करने वाला, जिसने बता दिया कि वैसे ही मान लेना, वहीं पर चले जाना, उसी के पीछे मानकर बात चले जाना, इजीली बिलीव कर लेना। तो बैलरमा में अगर हम देखते हैं कि नाम भी डिफरेंशिएट कर पाए तो तीनों रूब्रिक है, सुपरटिशियस भी है, नाइव भी है और क्रेडुलस भी है। वो भोला भाला भी है, वो इजीली बिलीव कर लेता है, वो बिना लॉजिक के, बिना क्यूरियस होया लाइटली दूसरे ने बता दिया कि मैं ठीक हुआ था, वो वहां चला जाएगा, दूसरे पेशेंट ने उसको बोला तो वो सभी रूब्रिक के समय आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा बैलेंड होना काम करती है, आज भी करती है। फिर उसका आ जाता है अनरिलायबल एंड प्रोमिसेज, वादा करना तोड़ देना, प्रॉमिस रिलायबल ना होना, निभाना ना। हम क्या लेते हैं कि डॉक्टर ने परहेज रखा, रख लेने को बोला, वादा कर लेना कि मैं डॉक्टर साहब परहेज रखांगा, प्रॉमिस कर लेना, और नेक्स्ट टाइम आकर हंसते हुए बता देना मुझसे रहा नहीं गया, मैं पार्टी में गया था, मैरिज पे गया था, फंक्शन में गया था, डॉक्टर साहब मैंने तो खा लिया था। तो वो ऐसे जो है उसका किसी भी बात पे उसकी नेचर है कि अनरिलायबल इन प्रॉमिसेज है। फिर उसका जो डॉक्टर एम एल सहगल ने ऐड किया रूब्रिक का, वो है ट्रेनिंग सिक तो था हमारे पास, उसके साथ अटेंशन सीकिंग उसका बिहेवियर है जो बैलेंड होना का, वो भी वही बात आ जाती है कि मोस्टली पेशेंट हमारे पास लेडी पेशेंट आते हैं, उनमें ये बातें ट्रेनिंग सिक, लाफिंग, स्माइलिंग, क्रेडुलस, नाइव, ये सभी अक्सर मिलते हैं हमें, और वो अटेंशन सीकिंग उनकी नेचर होती ही है। बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, यदि उसने ताके ताके उससे पूछा जाए, उसका हस्बैंड पूछे क्या हो गया, क्या तकलीफ है, जब वह देखती है कि उसके पति देव घर में प्रवेश कर चुके हैं तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए रोना कुरलाना शुरू कर देती है, हाय मार्गी, हाय हाय करने लग जाती है, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। ये अटेंशन सीकिंग ट्रेनिंग सिर्फ उसकी नेचर है बैलाडोना की, ताकि वो मुझसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दुखता है, क्या तकलीफ है, पर ये देखेंगे कि वो लाइट ईयर में है, क्यूरियस में नहीं है, बाबा पूछता से नहीं जाता बैलाडोना वाला, हमेशा हर जगह उसका लाइट डिजायर चलता रहेगा।